नमस्कार, मैं गौरी आपका स्वागत करती हूं। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। देश में नई सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन इसी के साथ एक पद पर आसीन होने के लिए कई दिलों में होड़ मच गई है। जी हां, मोदी सरकार 3.0 के मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। अब बारी है लोकसभा की, जिसमें स्पीकर का चुनाव किया जाना है। और खबर ये मिल रही है कि भाजपा के एनडीए में सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू की नज़र स्पीकर पद पर है। दोनों चाहते हैं कि स्पीकर उनकी पार्टी से कोई बनाया जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों। दरअसल आपको बता दें कि गठबंधन सरकारों में बहुत से फैसले ऐसे होते हैं जहां स्पीकर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है और उनके विशेष अधिकार काम आते हैं। तो चलिए बताते हैं कि आखिर सियासत में लोकसभा स्पीकर की पहुंच कितनी होती है और आखिर क्यों इस पद के लिए हमेशा होड़ मचती है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इस बार किसका नाम इस पद पर सामने आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। जब देश की सरकार चलती है तो सदन का अपना महत्व बढ़ जाता है। लोकसभा में ही ज्यादातर सभी बड़े फैसले लिए जाते हैं। बता दें कि देश की संसदीय कार्यवाही का नेतृत्व एक पीठासीन अधिकारी करता है, जिसे अध्यक्ष या स्पीकर कहा जाता है। एक लोकसभा स्पीकर के पास अपार प्रशासनिक और विवेकाधीन शक्तियां होती हैं। वो सरकार गिराने तक का दम रखता है। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कि आखिर स्पीकर के पास कौन से अधिकार होते हैं जिसके लिए हर दल अपनी पार्टी का स्पीकर लोकसभा में चाहता है। स्पीकर का मुख्य काम संसद की अध्यक्षता और संचालन करना होता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी लोकसभा का स्पीकर करता है। स्पीकर सदन की कुल सदस्य संख्या के 10वें हिस्से की अनुपस्थिति में सदन को स्थापित कर सकता है या बैठक को निलंबित कर सकता है। आमतौर पर स्पीकर किसी मुद्दे पर वोट नहीं करता है, लेकिन वोट बराबरी की स्थिति में वो वोट कर सकता है। विश्वास मत प्रस्ताव में एक वोट भी काफी अहम हो जाता है। दल बदल के आधार पर पैदा होने वाले लोकसभा सदस्य की अयोग्यता के विवाद पर अंतिम फैसला स्पीकर लेता है। सदन की समितियां अध्यक्ष द्वारा गठित की जाती हैं और अध्यक्ष के निर्देशन में ही उनका काम होता है। कुल मिलाकर स्पीकर को सदन, उसकी समितियों और सदस्यों के अधिकारों और विशेष अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता देने का निर्णय भी स्पीकर ही करता है। वहीं अगर बात करें कि स्पीकर का चुनाव कैसे किया जाता है, तो संविधान कहता है स्पीकर को सदन का सदस्य होना चाहिए। आमतौर पर स्पीकर सत्तारूढ़ दल का ही कोई सदस्य बनता है, क्योंकि उसके पास बहुमत होता है। सदन अपने पीठासीन अधिकारी का चुनाव मौजूद सदस्यों के साधारण बहुमत से करता है। ऐसे भी उदाहरण है कि जब स्पीकर सत्ताधारी दल के किसी सहयोगी पार्टी से बना हो। इसी के साथ चलिए अब आपको वो नाम भी बता देते हैं जिसका नाम स्पीकर पद के लिए सबसे आगे है। बताया जा रहा है, वैसे तो एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भाजपा खुद अपना स्पीकर बनाना चाहती है, तो दूसरी तरफ गठबंधन की सहयोगी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी स्पीकर की कुर्सी पर दावा ठोक रही है। सियासी गलियारों में लोकसभा स्पीकर को लेकर तमाम नाम चर्चा में है। इसमें भाजपा नेता डी पुरंदेश्वरी का नाम सबसे आगे है। भाजपा राजमुंद्री से जीत कर आई पुरंदेश्वरी को स्पीकर बनाकर एक तीर से दो निशाना साधने की तैयारी में है। पुरंदेश्वरी की खास बात यह है कि वो 5 भाषाएं लिख पढ़ और बोल लेती हैं। उनको हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु और फ्रेंच की जानकारी है। वो कुचिपुड़ी में भी दक्ष हैं। इतना ही नहीं, उनको दक्षिण की सुषमा स्वराज भी कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि पुरंदेश्वरी देवी स्पीकर की कुर्सी पर दावा कर रहे हैं टीडीपी के मुखिया एन चंद्रबाबू नायडू की साली हैं। उनकी बहन नारा भुवनेश्वरी से चंद्रबाबू नायडू की शादी हुई है। अगर भाजपा स्पीकर की कुर्सी के लिए पुरंदेश्वरी का नाम आगे करती है, तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि नायडू इसका विरोध नहीं करेंगे। देखा जाए तो अगर सियासी इतिहास के पन्ने पलटे तो स्पीकर के मामले में हमेशा अटल बिहारी सरकार के गिरने का वो वाकया याद किया जाता है, जहां स्पीकर जीएमसी बालयोगी ने एक ऐसा फैसला लिया था और एक वोट से सरकार गिर गई थी। जीएमसी बालयोगी टीडीपी के खाते से स्पीकर बने थे। फिलहाल ये बात आपको समझ आ ही गई होगी कि संसद के स्पीकर का पद पावरफुल होता है। लोकसभा के संचालन से लेकर सांसदों की सदस्यता का फैसला स्पीकर ही करता है। सदन में अल्पमत होने की स्थिति में स्पीकर की पोजीशन और बढ़ जाती है। ऐसे में इस बार स्पीकर किस दल का बनता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।